रुक गया है गंडोला अभी थोड़ी देर के लिए, और हम लोग मिडिल में है और ये थोड़ा हिल रहा है। एंजॉय कर रहे हैं मेरी अम्मी के बने हुए इस निमकी के साथ, ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं हम। एशिया का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गंडोला राइड एंड वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गंडोला राइड के लिए थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ता है। हमने फेज वन पर ही वेट किया, एक घंटे से भी ज्यादा लाइन में खड़े रहे, और ये है फेमस इग्लू कैफे जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, लेकिन हम जब गए थे उस वक्त ये बंद था। और फाइनली हमारा फेज टू का गंडोला आ चुका है। फेज वन तक हम कैसे पहुंचे, गंडोला के टिकट्स आपको किस तरह से बुक करना है और कहां से बुक करना है, कितनी प्राइस है, सब मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया है। कश्मीर के कुल मिलाकर 6 व्लॉग्स अभी तक मैंने शेयर किया है, ये 7वां व्लॉग है। अभी हम जा रहे हैं कंगडूरी से अफरवाट पीक जो कि 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। गंडोला के साइड में ही इस तरीके के चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें साइड में कोई भी गार्ड नहीं है, और इसमें जाते हैं जो लोग स्की करते हैं वो लोग, और देखिए किस तरह से ये ऊंचाई पर जा रहा है। और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ऊपर खाली जगह भी दी गई है जहाँ से एयर पास हो सके। इन टावर्स में ही है असली मैकेनिज्म, जब इनके साइड से गुजर रहा था तो इतना हिल रहा था गंडोला, बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे, और ये काफी हाइट तक ले जा रहा था, तो इसीलिए बीच में 5 मिनट के लिए रुका हुआ था हमारा गंडोला। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल पाना काफी मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे तो हम दोनों ने काफी ज्यादा एक दूसरे को कूल एंड काम करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ वेरी एडवेंचरस एक्सपीरियंस। और ये अभी हम हैं 4400 मीटर की ऊंचाई पर, फील्स लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द व्यू इज टू डाई फॉर, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीलिंग है। हम लोग अपर हाफ पीक पे पहुंच गए हैं और बड़े बड़े बैठ गए चले, नहीं 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 अच्छा सुन के दोनों को घुमा के लाएगा, साथ साथ में लेकर जाएगा, एंजॉय कर रहे हैं। बोलो उस दिन इतनी तेज धूप थी और 12 बजे के करीब हम वहां पे पीक पर पहुंचे और एकदम स्नो में सनलाइट रिफ्लेक्ट होके पूरा आंख पर जा रहा था, और ना फोन हमें दिखाई दे रहा था ना कैमरा में कुछ डिस्प्ले में दिखाई दे रहा था, बिना सनग्लास के एक पल भी नहीं देख पा रहे थे, आंखों से पानी निकल आ रहा था, इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही थी लाइट की। और यहाँ पे पूरा बर्फ है और काफी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जो लोग स्लेज पे हैं, जो लोग इधर उधर लेके जा रहे हैं, वो लोग मतलब चिपके हुए हैं, शांति से कुछ भी इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, और काफी इंजॉयमेंट हो रही है। ऑक्सीजन लेवल हम दोनों के लिए तो बिल्कुल ठीक है, और पूरा चारों तरफ एकदम स्नो एंड स्नो है, इंजॉयिंग वेरी मच, बाद में करना है अभी नहीं, इधर स्लेज वगैरह सब कुछ है लेकिन हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे एक बेस कैंप है जहाँ पर इंडिया का फ्लैग है, वहाँ पर एक बेस कैंप है, और हमें लग रहा था कि हम उस बेस कैंप तक जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ आर्मी वगैरह है तो हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई टूरिस्ट भी नहीं जा रहा, तो हम लोग यहीं पे एंजॉय करेंगे। एंड जो गंडोला राइड था ना फेज टू का, वो हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की, मिडिल में वो स्टॉप होता है 2-3 बार के लिए, बट इंजॉयमेंट काफ़ी की।
living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. अभी वो मेरे लिए एक लव शेप का स्नो बना रहा है, सो क्यूट। आई फेल्ट रियली स्पेशल क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे प्रपोज करने के लिए एक हार्ट शेप का स्नो बना रहे थे, लेकिन ग्लव्स उतारकर जब उन्होंने इस हार्ट शेप का स्नो मुझे पकड़ाया प्रपोज करने के लिए, मुझसे तो इसे पकड़ा ही नहीं जा रहा था क्योंकि इतनी ठंड थी, बट पता नहीं कैसे वो इसे पकड़े रहे थे, हाथ बिल्कुल जम रहा था। एंड दिस इज हर्षल भैया, He is the tour manager of Veena World. He really helped to click all the pictures and videos also. Hello, my name is Harshal Naik Nawre and my Insta ID is Harshal Naik Nawre. और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7304844366। और आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैं टूर मैनेजर हूँ वीना वर्ल्ड में, फिलहाल तो अभी टूर लेके आया हूँ और गुलमर्ग में यही पूरा ये दिखाने आया हूँ मैं, पूरा स्नो अभी यहाँ पे थोड़ा कम स्नो है बट फिर भी पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है। सो ये भैया ये टूर एंड गाइड है, इन्होंने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है, उन्होंने हमारे काफी कुछ शूट किया, ही इज आल्सो अ फोटोग्राफर। अगर आपको यू नो टूर कहीं पर जाके फोटो शूट करना है, कपल है, किसी दूसरे को चाहिए, तो वो ये भैया उनसे भी हेल्प करते हैं, मतलब उन सब में भी ये हेल्प करते हैं, रील्स वगैरह सब बनाते हैं। सो आप उनको उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ही इज रियली गुड एट हिज वर्क। सो मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी, सो डू कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। वो जो नीचे वहाँ पे आर्मी बेस कैंप है वहाँ तक हम लोग गए थे, एक मिनट के अंदर पहुँच गए, लेकिन एक किसी का चश्मा गिरा दिखा रास्ते में, तो हमने BSF मतलब वो जो आर्मी थे ना उधर, उनको देने के लिए लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो कांटों का जो तार बना रहता है ना वहाँ पे टंगने के लिए, तो हम उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे तब एक लड़की आई उस चश्मे को ढूंढते हुए, तो हमने उसे वो चश्मा दे दिया। तो यहाँ पे एक बेस कैंप है विच इज़ गुड, और वो जो पूरा रास्ता दिख रहा है ना पहाड़ पहाड़ के ऊपर से, वो है फौजी लोगों का रास्ता, वो उधर से ऑपरेट करते हैं। और यहाँ से ना सब लोग हमें अप्रोच कर रहे थे कि LOC जो है बॉर्डर, वहाँ पे वो लोग लेकर जाएंगे 3000 रुपये, लेकिन हमें नहीं जाना था, वो स्लेज करके लेकर जाएंगे, स्लेज ना स्कीइंग करके वो लेकर जाएंगे, मुझे स्कीइंग नहीं करना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और यहीं पे हम लोग अपने हिसाब से इंजॉय करना चाहते थे। अभी फिलहाल जब बेस कैंप से हम लोग इधर चढ़ाई पे आ रहे थे ना, तो हालत ख़राब हो गई, 5 मिनट लगे हमें ऊपर आने में, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन ठंड भी बहुत है और धूप की वजह से गर्मी भी है, वेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कन्फ्यूजिंग सा सिचुएशन है। और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं मेरी अम्मी के बने हुए इस निमकी के साथ, ये व्यू इंजॉय कर रहे हैं हम, काफी मजा आ रहा है। फेज वन में अभी थोड़ा थोड़ा बर्फ है, बट फेज टू में अभी बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही ज्यादा डीप है ना, मतलब कितना फीट का बर्फ होगा आई डोंट नो, लेकिन मेरा पैर पूरा घुस जा रहा था जब मैं उधर नीचे जा रही थी, तब इतना ज्यादा डीप बर्फ है। तो लेट्स एंजॉय दिस एंड उसके बाद वापस जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वापस गंडोला स्टेशन पर जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, ये देखिए यहाँ पे कितना स्लोपिंग है
और अगर पैर फिसल गया तो बिल्कुल नीचे से, इसलिए हम फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। इनफैक्ट ये फुटेज जब हम लोग ले रहे थे तब भी काफ़ी ध्यान से, इसीलिए इतना ज़्यादा हेजी फुटेज है। और ये सामने पूरा हिमालयन रेंज दिख रहा है, यहाँ पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिज्जेरिया, तो उसका भी शूट हमने कर लिया। खरीदा कुछ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। और जिस दिन हम गए थे गुलमर्ग गंडोला, उसी दिन G20 के जो भी VVIPs थे वो भी गए थे गुलमर्ग फेज टू घूमने के लिए, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। सारे VVIPs नीचे उतरे, उसके बाद ही हम सिविलियंस को नीचे जाने दिया। ऊपर जाने के टाइम उतना ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब फेज़ टू से फेज़ वन आ रहे थे नीचे, तब समझ आया कि कितनी ऊंचाई से हमें नीचे लेकर जा रहे थे। और जब हम लोग नीचे देख रहे थे तो इतना पैल्पिटेशन, इतना ज़्यादा नर्वसनेस और इतना डर लग रहा था, इसीलिए ही हम दोनों वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे ताकि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। ये है फेज वन और ये व्यू पॉइंट है। ये फेज वन का गंडोला है जो कि फेज वन पे आ रही है। हम लोग फेज टू से आ चुके हैं ऑलरेडी एंड द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आज कुछ VIPs मतलब VVIPs आए थे, तो पूरा एकदम जो मिलिट्री फौज है वो लेके आए थे, इसीलिए गंडोला जो फेज टू का गंडोला था ना, जहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे थे, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि पहले जो पूरा VIPs है ना वो सब जाएंगे, उसके बाद और हर VIPs वाले गंडोला में आर्मी की फ़ौज थी, मतलब 3-4 ऐसे करके, और उन लोगों का सब हुआ। आई थिंक G20 करके कुछ है कश्मीर में अभी, कुछ होगा पॉलिटिकल, मुझे इतना ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग आए थे इसीलिए हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। तो वो VVIPs सब मतलब आधे घंटे से उन लोगों का लोडिंग हुआ, सब लोग चले गए फेज़ वन पे आए, उसके बाद हम लोकल्स को जाने के लिए उन लोगों ने अलाउ किया। उसके बाद हम पहले जो लोकल थे वो चढ़े, एंड अभी फेज़ वन देखने के लिए कुछ भी नहीं थी, फेज़ टू में काफ़ी इन्जॉयमेंट की है। फेज़ वन में ढीला ठीक ठाक बर्फ है अभी, इसीलिए वी आर गोइंग बैक टू द बेस और फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। वो उधर आप लोग देख रहे हैं वो है फर्स्ट स्टॉपेज गंडोला का, जहाँ से हम आए इधर, और ये जो है गंडोला का फर्स्ट स्टॉपेज मतलब फेज वन का स्टॉपेज है। और वो ऊपर की टावर वगैरह लगे हुए हैं उस पहाड़ के पीछे, वहाँ पे है फेज टू जहाँ पे हम गए थे, और वो पहाड़ बहुत सारी मस्ती। सो दैट्स इट। हम लोग फेज वन से वापस जा रहे हैं और दोनों अकेले हैं, कोई भी नहीं है हमारे साथ, पहली बार गंडोला पे हम दोनों अकेले जा रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। नीचे अगर ना देखे तो मजा आ रहा है। अभी फिर से ये टावर देखे नाम नहीं दिखता है। ओह माय गॉड। और ये जो डिस्टेंस है ना गुलमर्ग से फेज वन तक, ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेज टू से जो अपर हाइट कम है। हाइट कम है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। रुक गया है गंडोला अभी थोड़ी देर के लिए और हम लोग मिडिल में है और ये थोड़ा हिल रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत मजे। फाइनली चालू हो गया, थैंक गॉड चलो हो गया। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह बस एक मैगी खाया था और कुछ भी नहीं खाया और चाय पी बस। अभी जल्दी से नीचे पहुँच के कुछ खाना है क्योंकि सिर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं शायद धूप की वजह से या ठंड की वजह से, आई डोंट नो, बट या फिर हाइट की वजह से। सो नीचे जाके खाना है। और ये लोकल के हट्स हैं, हाँ जो कि आई थिंक टूट चुका है, लोकल हट्स है। व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कभी कभार डर भी लग रहा है, बट स्केरी टू, बट ऐसा नहीं कि आप नहीं आ पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, हर कोई ये गंडोला राइड कर सकता है, राइट? इसमें
चल रहा है ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए हमने वो जो नीचे है नीचे आके मैंने ये केक लिया। MRP है 30 रुपीज़ लेकिन इन्होंने 50 रुपीज़ लिया। इन्होंने लिया ये है भेल पूरी और मतलब जो मौसला मुड़ी हम लोग कहते हैं बंगाली में, इसका 30 रुपीज़ इतना छोटा सा। ये वाला जो रास्ता है ये है पोनी का रास्ता और ये है पैदल और कार वगैरह इन सब का रास्ता। और यहाँ से अगर आप पूरी करते हैं तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। ये था हमारा गुलमर्ग व्लॉग। गुलमर्ग से सीधा हम गए श्रीनगर और श्रीनगर पहुँच के क्या किया नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।